हेलो बच्चों, ये 78 डेज का वीडियो है और कल मैंने मिस कर दिया था। ये जो एक दिन 7 बजे जो 79 डेज का वीडियो था, ये मेरे से मिस हो गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाया रिकॉर्ड करने का। जनरली उसी दिन रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभी 2 दिन का रिकॉर्डिंग हो जाता है, बट 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मिस हो गया था मेरे से। अब आज की स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के जो नीचे फीडबैक होते हैं, रिटर्न फीडबैक होते हैं, उसी के बेसिस पे भी कभी कभी मैं बात करता हूँ। दिमाग में तो रहता है, बात तो कर लेता हूँ, लेकिन हाँ इस बार एक्ट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे को बोला कि आप जो चैप्टर वाइज, सब चैप्टर वाइज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ तो वेव्स में 245 क्वेश्चंस मैंने टाइप करवाए जो सब टॉपिक पे बेस्ड था। मतलब इंटरफेरेंस, उसके बाद बीट्स, स्टैंडिंग वेव, उसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट, साउंड, प्रोग्रेसिव वेव, पल्सेस ऑन स्ट्रिंग, इन सभी सब हेडिंग्स पे मैंने करीब 250 क्वेश्चन, 245 क्वेश्चन टाइप कराए, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी। अब 250 क्वेश्चन के बाद जो जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को टाइप करवाए, कुछ भी नहीं बचता है। मतलब अगर आप उतना प्रिपेयर कर लो तो नथिंग इज लेफ्ट। सिमिलरली आजकल मैं मॉडर्न फिजिक्स पे जोर लगा रहा हूं, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत स्कोरिंग होता है, और मैं आपको झूठ मत मानना यार, बहुत आसान होता है उसको अगर इन डेप्थ हम समझें, पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, कई बार मोस्टली टीचर लोग क्या करते हैं, उसको काम चलाओ पढ़ा देते हैं, बच्चे के अंदर थॉट नहीं डेवलप होती कि यार, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे में बात करते हैं तो एक्सरे में एक इलेक्ट्रॉन घुसा क्रिस्टल में एटम के, और जब बाहर निकला तो जितनी भी उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी। जैसे कि मान लो तुम कीचड़ में दौड़ते आ रहे हो और कीचड़ पड़ गया। अब कीचड़ से पार करके जब निकलोगे तो जिस स्पीड से आप घुसे या अंदर गए उस हिसाब से तो नहीं निकलोगे, तो तुम्हारी जितनी एनर्जी कम हो गई वही एक्सरे के फॉर्म में निकल जाता है। ये कंटिन्यूअस एक्सरे है। करेक्टरिस्टिक एक्सरे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि आप अंदर जा रहे हो और आपने किसी एक को पुश कर दी तो उसकी वैकेंसी खाली हो गई इलेक्ट्रॉन का लोअर ऑर्बिट में। अब ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन उस लोअर में आएगा, क्योंकि हर कोई लोअर एनर्जी में रहना चाहता है। इसका भी एग्जाम्पल मैं क्लास में ऐसे देता हूं कि आपको बोला जाए खड़े होके सोना पसंद करोगे, मतलब आंख बंद करना सोना, या बैठ के, तो आप बोलोगे बैठ के पसंद करूंगा। फिर ऑप्शन दो, बैठ के या लेट के सोना पसंद करोगे, तो लेटने वाला ऑप्शन दोगे। तो हर कोई लोअर एनर्जी में जाना चाहता है, क्योंकि लेटने पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होती है, उसके बाद बैठने पर सबसे हाईएस्ट होती है खड़े होने पे। तो हर कोई लेट के सोना पसंद करेगा लीस्ट एनर्जी में। तो वैसे ही भी आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लोअर में जम कर जाएगा अगर सीट खाली है तो, क्योंकि आउटर में हाई एनर्जी होती है, लोअर में कम होती है। तो हाई एनर्जी से वो कम में आया तो जितनी एनर्जी रिलीज हो गई वो एक्सरे को एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो एक्सरे का ग्राफ वहां पे एड ऑन एनर्जी यानी इंक्रीज दिखता है। इस तरह से अगर बच्चों को हम समझाएं तो वो कभी नहीं भूलेंगे, और न्यूमेरिकल भी उनके लिए आसान होगा। तो इस तरह से मैं बहुत सारी थ्योरीज और क्वेश्चंस बना रहा हूं। बच्चों ने कहा टेलीग्राम पे शेयर कर दो सर। टेलीग्राम पे शेयर करने में हमसे ज्यादा हमारे कॉम्पिटिटर फायदा उठाते हैं, बच्चों से ज्यादा। तो जो बच्चे मेरे को अपना नंबर आप मेल कर दो, नंबर आपका कोई यूज नहीं होता मार्केटिंग वार्केटिंग में, ये मत सोचना, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, हम देहरादून में बैठे हैं तो आपका हम एडमिशन के लिए हमारी टीम फोन ऑन नहीं करती, मेरे पास रहता है। उनको मैं पर्सनली अपनी टीम को बोल दिया करूंगा कि हमारे सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में जैसे भी आपको मेल कर दिया करें, आप उसका बेनिफिट उठा लो, तो जेन्युइन बंदा उसका बेनिफिट उठाएगा। हाँ ये जरूर हो सकता है वीडियो देख के कॉम्पिटिटर लोग उठा रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर इतना समय नहीं है उनके पास कि वो वीडियो देखे, आके देखते तो बच्चे और उनके पेरेंट्स ही। तो मैं आपको असाइनमेंट दे दिया करूंगा, उसका आंसर सॉल्यूशन भी दे दिया करूंगा, और वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जब करीब करीब 30 दिन या 30 दिन के आसपास, 45 दिन के आसपास रह जाएगा तो मैं एक शॉर्ट नोट्स रिलीज करूंगा जिसमें से ही क्वेश्चन आएंगे नीट में, एक भी क्वेश्चन बियॉन्ड नहीं आएगा। अभी जेई मेंस का पेपर हुआ था पार्ट 1, मेरे ऑलमोस्ट सारे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं,
आप प्लीज एक बार देखना, यू वोंट गेट इवन ए सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ दोज लेक्चर्स। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दैट। तो ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा। हम लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं, 21 साल तो मुझे ही हो गया, तो हमें पता है क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पैटर्न 21 सालों से लगभग वही है क्वेश्चन पूछने उछने का। तो अगर आप भी पढ़ोगे ढंग से तो इस बार कोई ऐसा नहीं अब्रप्ट, कोई बहुत ऐसा आउट ऑफ बॉक्स नहीं आने वाला। इस तरह से हम फिजिक्स को अगर स्ट्रांग कर लेते हैं, एक तरफ हमारा स्ट्रांग होने लगता है, तो फिजिक्स मदर है यार बाकी सब्जेक्ट्स का। टेक्निकल नॉलेज देता है आपको, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को एनहेंस करता है। तो आई एम श्योर बाकी सब्जेक्ट में भी आप अच्छा करने लगे, क्योंकि बायोलॉजी आपकी वैसे में ठीक है, केमिस्ट्री भी मॉडरेट है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आप इसको फ़ायदा उठाओगे इससे, और मुझे बताओगे कमेंट करके कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और कमेंट में मैं मेल अपना पिन कर दूंगा, और उस मेल में आप उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट, अपने मेल मोबाइल नंबर थोड़ा डिटेल भी दे देना, आप कहाँ से हो, किस शहर से हो, और कौन सा ईयर ड्रॉप है आपका, लास्ट ईयर कितना था, पहला ड्रॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मस्ट है, मोबाइल देना चाहो तो दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच बेटा।